संगीत सुधा बरस। नमस्कार, आप सबको एक बार बहुत 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 स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं फिर एक बार हाजिर आप सबके सामने कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल टॉपिक लेकर। YouTube में मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिक्वेस्ट्स मिलते हैं और वहीं से मुझे मालूम पड़ता है कि किस किस विषय के ऊपर मुझे और थोड़ा चर्चा करना है, वीडियोस बनानी है। तो वैसे ही एक विषय आज मैं आपको बताऊंगा और उसका इस्तेमाल ये सब लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे आपको सुनने को मिलेगा कि बेली साउंड, चेस्ट साउंड या हेड साउंड, ये सब जो टर्म्स है ये गाना बजाने जो करते हैं, जो सीखते हैं, उनको सुनाई देता है। तो मुझे बहुत लोग पूछा है कि ये सब क्या है और इंडियन म्यूज़िक में इसका क्या कनेक्शन है, ये सब बहुत लोगों ने पूछा। एंड यस, आई डू ऑल्सो फील दैट दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी कैन डिस्कस। देखिए, ये जो टर्म्स है, बेली साउंड, चेस्ट साउंड, हेड साउंड, ऑल दीज आर वेस्टर्न वोकल म्यूजिक का टर्म्स है। वेस्टर्न म्यूजिक में वॉइस को एज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम हारमोनियम बजा रहे हैं, जैसे कि हम सितार बजा रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो वॉइस को भी वैसे एक इंस्ट्रूमेंट के तरह देखा जाता है और उसको आर्टिफिशियली इस्तेमाल किया जाता है। उसको थोड़ा मतलब अलग तरीके से इसका यूज करना, ये वेस्टर्न म्यूजिक का रीत है। ये जो लोअर नोट्स है वेस्टर्न म्यूजिक में, उसको गाने के लिए पेट में एक प्रेशर देकर साउंड निकलने का तरीका है, जो कि बोला जाता है बेली साउंड, लाइक तो पेट के अंदर एक खिंचाव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बेली साउंड। अभी चेस्ट साउंड जो है वो छाती से आता है, लाइक चेस्ट साउंड मिडिल ऑक्टेव में। और हेड साउंड जो है, हेड वॉइस, वो है अपर ऑक्टेव में, जैसे कि एकदम ऊपर से गा रहा है। तो ये जो थ्रोइंग है, दिस इज कॉल्ड हेड साउंड। लेकिन इंडियन म्यूजिक में ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज इंडियन म्यूजिक, इंडियन वोकल म्यूजिक में जो वॉइस थ्रोइंग है वो नेचुरल वॉइस थ्रोइंग है, यानी कि जिस वॉइस में हम बातें करते हैं उसी वॉइस में हम गाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो आप कैसे हैं बताइए ना, अरे बहुत दिन नहीं मिला, तो नेचुरल टॉकिंग वॉइस इज आवर सिंगल वॉइस, सिंगिंग वॉइस। तो इसलिए क्या होता है, वॉइस नेचुरली जैसे आवाज करता है उसी से हम गाते हैं। इसको टॉर्चर करके कोई डिफरेंट टाइप साउंड हम निकलने का कोशिश नहीं करते हैं, जो कि वेस्टर्न म्यूजिक में किया जाता है। इसलिए क्या होता है, वेस्टर्न वोकलिस्ट्स बहुत देर तक, मतलब फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गा रहे हैं, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई सिंगर 50 साल गा रहे हैं, 60 साल गा रहे हैं, वैसा आपको नहीं मिलेगा। वो उनका एक म्यूजिकल लाइफ का एक स्पैन होता है, 10 साल,
15 साल 8 साल गाए फिर वैनिश। लेकिन भारतीय राग संगीत में जो वोकलिस्ट है वो जिंदगी के आखिरी दिन तक गा सकते हैं, जैसे कि हमने भीमसेन जोशी जी को देखा, पंडित जसराज जी को देखा, सब लोग इतने उम्र में भी कितना अच्छा गाते थे, बिकॉज द थ्रोइंग दे यूज्ड इज नेचुरल थ्रोइंग, उनकी बातें करने का जो आवाज़ है वही गाने का आवाज़ है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कुछ हद तक कभी कभी आवाज़ को छुपाने के लिए ये हेड साउंड, चेस्ट साउंड, बेली साउंड का हेल्प ले लेते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ करेक्ट थिंग। जैसे कुछ लोग अपर ऑक्टेव नोट्स गाने में डरते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपर नोट को वो जो हेड वॉइस मैंने बताया उसी से गाना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल्सेटो, लाइक पा धा नी सा रे गा मा पा मा रे सा नी धा, तो ऊपर सारे गामा जो है वो आवाज़ को दबा के आर्टिफिशियली हमने गाया, तो पा धा नी सा रे गा मा पा मा रे सा, यहाँ से आवाज आ रहा है, विच इज नॉट नेचुरल साउंड, नॉट नेचुरली, आपका जितना जाते हैं उतना गाइए, लाइक पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा नी धा पा, खुली आवाज में फॉल्सेटो, इसको अवॉइड करना है। आप बोल सकते कि कैसे इसको हम सुधारें, हमारा तो आदत पड़ गया। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑक्टेव और उसके ऊपर वाली ऑक्टेव के नोट्स में कनेक्टिविटी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में ये मेड़ का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी या रे ना ना नो ना, यानी कि अलग अलग ऑक्टेव की जो नोट है उसको कनेक्ट अगर हम कर पाते हैं, दैट मीन्स वी आर सिंगिंग विद नेचुरल वॉइस। अगर आर्टिफिशियली गाते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं कि सा 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 सा, सा, ऐसे हो जाएगा अगर ऊपर फॉल्सेटो हम गाते हैं, तो सा सा रे रे गा गा, दिस इज द वे टू अवॉइड द फॉल्सेटो और आर्टिफिशियल वॉइस थ्रोइंग, लाइक पा पा, ये दोनों नोट हम जोड़ रहे हैं, एक लोअर ऑक्टेव की एक मिडिल ऑक्टेव की, पा तो पा पा तो धा नी, उल्टा भी नी धा पा, तो अगर नेचुरल वॉइस हो तो कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो पा पा कभी जुड़ नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे वेस्टर्न वोकलिस्ट के साथ काम करके देखा, दे कांट अटेम्प्ट दिस मीड विच कनेक्ट्स टू नोट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑक्टेव्स, गा 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 तो गा गा, जैसे कि वुडलिंग में होते हैं, बट वुडलिंग ऑल्सो इज नॉट वेरी इंडियन थिंग, किशोर कुमार जी इसका तो मास्टर थे, आपने सुना है, लेकिन दैट इज अ टिपिकल वॉइस थ्रोइंग। तो फॉल्सेटो से बचने के लिए यू प्रैक्टिस टू डिफरेंट ऑक्टिव नोट्स बाई कनेक्टिंग देम विद मीड, लाइक सा रे गा मा मा
pa ma ga re sa. तो उसी से हम ऐसे गा पा सा धा गा मनी दरे रे पा मा गा मरे पा सा. सिंग विथ योर नेचुरल वॉइस एंड दैट विल हेल्प यू टू सिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम लाइफ लॉन्ग. सो इसको प्रैक्टिस कीजिए और खुद को जांचिए सुनिए समझिए कि मेरा फॉल्सेटो तो नहीं हो रहा है. ठीक है. थैंक यू सो मच. नमस्कार. बहुत अच्छी रही है.